के दरमियां। तो इतने ओह नो, आपको तो फीवर है। शैतान रेडी हुआ है या नहीं स्कूल के लिए? करण, उसे फीवर है। फीवर है? अस्ता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कितना फीवर है? कैसे हो गया फीवर? ज्यादा फीवर नहीं है, पर उसे रेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने भी अभी देखा। एक बच्चे, तू घबरा मत, तू बस रेस्ट कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर के पास नहीं जाना तो मत जाना, तेरे डैड भी नहीं जाएंगे डॉक्टर। मोहिनी, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रही हो? जब तक निशांत है तब तक मैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डेट फाइनल करके बता दूंगा, ओके? और मैं खुद सामने से फोन करूं, तुम तब तक रिलैक्स करो, ओके? चलो बाय बाय मोहिनी, बाय 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 बाय। किससे बात कर रहे थे तुम? मोहिनी से। कौन मोहिनी? मॉडल है, हमारे शो के बारे में पूछ रही थी। उसे इस बात का डर है कि कहीं हम उसे दूसरी मॉडल से रिप्लेस ना करें। हाँ, और तुम उसका डर मिटा रहे होंगे ना, उसे समझा रहे होंगे, मोहिनी डोंट वरी, मैं हूं ना। बड़े आए शाहरुख खान, जब देखो तब बस लड़कियों से बात करते रहते हो। आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हें, दिन रात बस लड़कियों के साथ लगे रहते हो तुम। मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। अच्छा बहाना निकाला है तुमने लड़कियों से बात करने का। पैम, बहुत नैरो माइंडेड हो गई हो यार, अपने दिमाग को खोलो। अभी तो ये लड़कियां सिर्फ मुझे कॉल कर रही हैं, जब मैं शो करूंगा तो ये मेरे चारों तरफ घूमेंगी, तब तो तुम्हें यही लगेगा ना कि इन सारी लड़कियों के साथ मेरा अफेयर है। हाँ तो कर लो ना अफेयर। पैम, निशान, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। पैम, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। देखो पैम, प्यार और प्रोफेशन दो अलग चीज होती है। एक बार काम खत्म तो फिर कौन मोहिनी, कौन स्वीटी, कौन सिमरन? मुझे लाइफ में किसी और से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो सिर्फ तुमसे। तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम नहीं तो कुछ भी। और अगर अब भी तुमने गुस्सा नहीं छोड़ा ना, तो मैं कंपनी वालों को बोल दूंगा कि मैं आपका शो नहीं करने। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपना काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब मानी गई हो तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। ये कोई मुस्कुराना हुआ? ये तो ऐसा लगा जैसे तुमने किसी टूथपेस्ट की ऐड कर ली हो। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, आप जब मुस्कुरा ही दिया है तो अब जल्दी से मुझे किसी दे। निशान, तू पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा हमें। ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब खुश? बहुत। बाय बाय पापा जी। जा रहा है जी? चलो अच्छा है, अगले साल फिर आना। पापा जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बस अब तू निकल ले यहां से, चल। किसी का इंतजार हो रहा है? जाना, जा रहा है ना? जा रहा हूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, इज इट बोथ ऑफ यू ऑल? गुड मॉर्निंग आंटी जी, बैठिए बैठिए बैठिए। ओके। अच्छा तो इंतजार खत्म। तू काम से जा रहा था ना? अब नहीं जा रहा। लगता है डूइंग माय तारीफ्स। हाँ बबली जी, कैसे आना हुआ, कुछ काम था? पापा जी प्लीज, कोई जरूरी है कि आंटी जी तभी है जब उनको कोई काम हो? वो हमसे ऐसे मिलने नहीं आ सकती। हमसे मतलब? हमसे मतलब ऑल इन जनरल। अब आप क्या कहना चाहते हैं, वो सिर्फ आपसे मिलने आती है? ज्यादा नहीं बोल रहा तू, बात करने के लिए तो थोड़ा बोलना पड़ता है ना पापा जी। आंटी जी से बात करने का मौका तो किन्हीं चुने लोगों को मिलता है, इसलिए लंबी लंबी छोड़ रहा है। ओह स्वीट, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। अरे पापा जी आप रहने दीजिए। आंटी जी आपने जो कल परफॉर्मेंस की है, जो नाचा है आपने, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं आपका। अच्छी, अरे मुच्ची, और जो आपने एक्टिंग की है बसंती की, लाजवाब। बेटा तू लेट हो रहा है ना,
पापा जी आप कहाँ लेट होने के पीछे पड़े हुए हो? आंटी जी हमारे सामने बैठे और आप जाने की बातें कर रहे हो। आंटी जी ने कितना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है और आप हैं कि क्यों आंटी जी? हाँ जी पुत्र जी, देखो ना आज की लाइफ में लोगों को टाइम की तो कदर है पर जो टाइम निकाल के आता है उसकी कोई कदर नहीं है। देखो ना तुसी, मैंने सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग करने के लिए टाइम निकाला और मैं आ गई। आंटी जी आप गुड मॉर्निंग क्या, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब विश करने आई है। अपना घर है, जब चाहिए आइए। मरवाएगा क्या? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई टेल यू बल्लू जी, आप तो ना इतने लक्की है। दिस बॉय इज सो स्वीट, सो नाइस, इतना मीठा है आपका सन इन लॉज। थैंक यू सो मच आंटी जी। चलिए मैं चलता हूँ, आप दोनों बात कीजिए, मुझे ऑफिस में काम। ओके जी, पापा जी बाय। आंटी जी बाय 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 बाय। चाय पियेंगे? मंगवाऊं? साहिब आप प्यार से पिलाएंगे तो जहर भी पी देंगे। जहर अगली बार, इस बार चाय मंगवा देता हूँ। पैम। अरे जी दीदी ये चलेगी। ये तो ऐसे घूर रही है जैसे चाय के साथ बिस्किट बना के मुझे ही खा जाएगी। ये गुड मॉर्निंग बोलने नहीं, अच्छे खासे मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग बनाने आती हैं। अस्ता पुत्र मैं सूप बना रही हूँ, आरव को पिला देना, उसे अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी, अभी वो सो रहा है, जब उठेगा तब पिला दूंगी। मुझे पता है ये सब बल्लू जी की वजह से हुआ है। इतना समझाया मैंने उनको कि रात को बाहर मत जाइए, मौसम खराब, पर नहीं, दादा और पोते को तो आइसक्रीम खाने छुप छुप के घर के बाहर जाना ही है। अब देखो ना तबीयत खराब हो गई ना उसकी। मम्मी जी फीवर तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन हुआ होगा उससे आ सकता है, या फिर मौसम में चेंज की वजह से भी आ सकता है। वो तो है पुत्र, लेकिन सबसे ज्यादा तबीयत खराब लापरवाही की वजह से होती है। पता है करण बचपन में अक्सर बीमार पड़ा करता था, और क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके उल्टा पुल्टा खा लेता था, ठंड में स्वेटर नहीं पहनता था, आलतू फालतू चीजें करता रहता था। मैं बल्लू जी को कहती थी कि जरा डांट दीजिए उसे, पर नहीं, बल्लू जी तो उससे भी ज्यादा लापरवाही करते थे। आस्था पुत्र तुझे आरव को समझाना होगा कि वो ज्यादा आइसक्रीम ना खाए, चॉकलेट ना खाए, और खासकर ठंड में रात को बाहर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि एक बार जब ठंड लग जाती है ना तो बस बीमारी का दरवाजा खुल जाता है, पहले सर्दी खांसी फिर बुखार। ठीक है मम्मी जी, मैं आरव को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आरव को तो तू समझा लेगी, पर बल्लू जी को कौन समझाए? वो तो चुपके से जाके आरव के कान में कहेंगे कि पुत्र आइसक्रीम खाने चलते हैं, किसी को बताना नहीं, और फिर मौका देखते ही घर के बाहर फुर। अब पापा जी जैसे बच्चे को तो आप भी समझा सकती हैं। अब मेरी भी कहाँ सुनते हैं वो। हो गई ना आरव की तबीयत खराब, जब घर में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है, मैं बता नहीं सकती इतना बुरा लग रहा है मुझे, ऐसा लगता है कि पूरा घर बीमार हो गया हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आरव बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। देखिए मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, और इस चीज में मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको पता है ना कि इस काम के बेसिस पे हमें नया असाइनमेंट मिल सकता है। हाँ ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? पापा काम से जा रहा था। आपको पता है अगर सब कुछ सही हो गया ना तो हमें बहुत जल्द एक बड़ी असाइनमेंट मिल सकती है। हाँ बेटा काम तो बढ़ना ही चाहिए, पर इसके अलावा और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं जिन पे तू ध्यान नहीं दे रहा।
किन पर? यार तू समझ कर भी नहीं समझता, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ले यार। पापा आप फिर से शुरू हो गए। तो पता है करण जब स्कूल में था ना तो बहुत शरारती था, उसके स्कूल में जितनी लड़कियां थी ना सबसे दोस्ती कर रखी थी उसने। कहता था ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। अच्छा वो लड़कियां भी इसे गिफ्ट्स भेजती, कार्ड्स भेजती, और तू उसी का भाई है, एक गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, तू भी बना ले गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड यार, उसके साथ घूमने जा, मुझे देखकर अच्छा लगेगा, घूमने जा उसके साथ, इसी बहाने मिठाई खाने को मिलेगी यार। अच्छा तो आपको मिठाई खानी है, इसीलिए आप मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को कह रहे हैं ना? अरे आपको मिठाई खानी है तो साफ साफ कहिए ना, किसी अच्छी सी दुकान से 2 किलो मिठाई ला कर दे देता हूं आपको। लेकिन प्लीज उसके बाद फिर मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करिएगा। ओके डन, लेकिन मुझे गुलाब जामुन सबसे ज्यादा पसंद है, वही लेके आना। ओके कब लेके आ रहा है? कभी नहीं, और ज्यादा पीछे पड़े ना तो मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा, फिर वहीं खिलाएंगे आपको गुलाब जामुन। बहुत बिगड़ गए हैं आप, जब भी देखिए मीठा खाने की बात करते हैं, बच्चे हैं क्या? चलिए अब मैं जा रहा हूं, आपके साथ बात करते बैठ गया ना तो ये काम छोड़ के हलवाई बनना पड़ेगा मुझे। तू चाहे हलवाई मत बन पुत्र, बस मुझे मिठाई खाने का एक लीगल मौका दे दे, जब डॉली जी भी मुझे मिठाई खाने से रोक ना पाए, शादी कर लेते यार। हाँ हाँ निशांत, मैं रिसीव कर लूंगी। ओके। क्या रिसीव करने की तू? पापा जी वो लंदन से निशांत का पार्सल आने वाला है, बस वही रिसीव कर। अच्छा वैसे पुत्र तू निशांत को समझा दे, बेवजह पीछे पड़ा रहता है मेरे, परेशान कर रखा है मुझे। ऐसा क्या किया है उसने? अरे वो मुझे और बब, 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 बब। इस बैम की बच्ची को बताने में खतरा है, ये सारी बात अपनी माँ को जाके बता देगी, इस निशांत को तो मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। पापा जी हा? क्या हुआ आपको, कहाँ खो गए थे आप? बताइए निशांत ने क्या किया है? वो उसने जो किया है किया है, पर उसे समझा दे। लेकिन मैं उसे समझाऊं क्या? देखो मुझे भी नहीं मालूम, पर तू उसे समझा दे, वो बहुत टेढ़ा है। हाँ हाँ आप तो जलेबी जैसे सीधे हैं ना। पापा जी मैंने आप दोनों को पहले भी समझाया है कि आप एक दूसरे को मत छेड़ा कीजिए ना, लेकिन आप दोनों ये मानते ही नहीं है। अब आप इन सब में मुझे मत फंसाइए प्लीज। दादू मेरे आरव की तबीयत कैसी है अभी? मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, चलो अच्छी बात है, मुझे भी सबसे पहले खेलना है। आरव अभी आप रेस्ट करो ना, आपकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो हम दोनों साथ में खेलेंगे। नहीं मुझे खेलना है। बेटा जिद नहीं करते, खेलना है खेलना है खेलना है खेलना है खेलना है। खेल लेंगे पर अभी जिद नहीं करते। ओके खेलना है। आरव आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको उछल कूद करने से मना किया है ना, चलो अपने कमरे में चलो। मैं कमरे में बोर हो गया था इसलिए मैं दादू के साथ खेलने आ गया। आरव पहले आप ठीक हो जाओ, आपकी तबीयत खराब है ना, फिर खेलना। ओके चलो। पुत्र मामा सही कह रही है, एक काम करो आज तुम आराम करो, कल ढेर सारा खेलेंगे। ओके नहीं कल नहीं खेलेंगे, आज ही खेलना मुझे। अच्छा ठीक है खेल लो दादू के साथ, पहले ये सूप फिनिश करो। ओके अरे जल्दी पी लो नहीं तो मैं पी लूंगा। ओके पी लो। आरा आपको बंदर वाली मूवी पसंद है ना? हाँ। तो अगर आप ये सूप फिनिश करोगे ना तो दादू आपको बंदर वाली एक्टिंग कर कर दिखाएंगे। ओए निशान समझ रखा है क्या मुझे? पापा जी आप अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकते। चल ठीक है मैं बंदर बन जाऊंगा, लेकिन आरव अगर सूप पिएगा तो। आरव देखो दादू बंदर बनने के लिए भी रेडी है, आप जल्दी से सूप फिनिश करो। दादू प्रॉमिस आप मंकी बनोगे? प्रॉमिस, चलो सूप पियो। आ आ आ आ
अभी बाकी रहे शोक मंकी शो के बाद में मिलना। नहीं एक एक तो मैं एक मिलो एक और बंद कर मंकी शो। ओके मैंने आपको बंदर बताया था ना कि बंदर बनूंगा, आपको बंदर ही दिखा दो। आ जा पापा जी। चलो अभी मंकी शो देखो। आ जा आ जा आ जा यहां आ जा। ये शुरू हो जाओ। क्या तूने आजी एक था बंदर, उसे नहीं लगता था डर। एक दिन वो पहुंचा शहर, वहां उसे मिले बच्चे। बच्चों ने उसकी पूंछ में बांधे पटाखे। बंदर गया डर और पहुंच गया अपने जंगल वापस, और मैं भी पहुंच गया अपने घर वापस। चलो पी लो सूप। बंदर थक गया। अरे ये बहुत अच्छा था बंदर का शो। है ना, चलो सूप पियो। हाँ उतर। मैं तो बंदर की एक्टिंग कर रहा था, पर इस घर में एक और बहुत अच्छा बंदर है। पता कौन? निशांत अंकल। करण क्या हुआ, आपका मूड ऑफ है? कुछ नहीं, बस ऐसे। बताइए ना करण क्या हुआ? कहा नाश्ता? कुछ नहीं। आपकी मीटिंग कैसी थी? मीटिंग की बात मत करो। क्यों? काम नहीं मिला मुझे। अरे पर क्यों? बस नहीं मिला। वो लोग इतने बड़े हैं कि कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, मुझे कुछ बताया भी नहीं। करण वही बात नहीं, दूसरा काम मिल जाएगा। मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन मुझे पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। रात रात भर जाग के उस एल्बम पे मेहनत की थी मैंने, और उन्होंने किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर को साइन कर लिया। करण शांत हो जाइए, जो काम हाथ से छूट गया उसके लिए गुस्सा होने का क्या फायदा। आप आइए बैठिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। देखो आस्था, ना मुझे मेरी टेंशन कम करनी है और ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे अभी अकेला छोड़ दो प्लीज। करण आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? एक एल्बम ही तो था। हर जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ऐसे हिम्मत थोड़ी हार सकते हैं, है ना? आस्था प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो, तुम जाओ यहाँ से। करण ये मेरा भी कमरा है और मैं आपकी पत्नी हूँ, दासी नहीं, तो मुझे ऑर्डर मत कीजिए। आपके हाथ से एल्बम क्या चला गया, आप सारा गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। कब से आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि मानना ही नहीं चाहते। मैंने कहा ना आस्था, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये नहीं कि आके आरव की खोज खबर ले, बेटा बीमार है लेकिन आपको अपना गुस्सा इम्पोर्टेंट है, बस। आप मेरे प्यार का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे करें। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? अच्छी है। गुड। अपनी ये चॉकलेट लाए। ओह, I'm so sorry बेटा। चॉकलेट लाना तो मैं भूल गया। डैड, अपने लिए बाद में चॉकलेट लेके आओ है? हाँ, जरूर लाओ। आरव, आपको सोने के लिए बोला था ना?
आपको रेस्ट की जरूरत है, आप बातें क्यों कर रहे हो, सो जाओ। अरव, आप आराम करो, आराम करने से आप ठीक हो जाओगे। मम्मा सही कह रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको जब किसी की बात सुननी नहीं है, गुस्सा ही करना है, तो जाइए ना अपने कमरे में बैठिए अकेले। सॉरी आस्था, उस टाइम मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए। तो आपको टेंशन हो जाती है तो आपके सामने फिर और कोई कुछ नहीं, आप जो मन में आया बोल देंगे। I'm so sorry, आस्था। मैंने काम का गुस्सा तुम पर उतार दिया। सॉरी। ये आपकी पुरानी आदत है करें। पहले गुस्सा कर दो फिर सॉरी बोल दो। अरव, लगता है मम्मा बहुत गुस्से में, ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करता हूँ, उठक बैठक लगा। आरव, तेरी मम्मा तो अभी भी नहीं मान रही, मम्मा से बोलना मुझे माफ कर। मम्मा, डैड को माफ कर दो ना। नहीं बेटा, आपके डैड है ना माफी के लायक नहीं है। मैं ना ही उनसे बात करूंगी और ना ही उन्हें माफ करूंगी। आस्था मान जाओ ना। देख बेटा, तेरी मम्मा को सॉरी बोल रहा हूं। अगर इन्होंने मुझे माफ कर दिया ना, जो ये कहेंगी वही मैं करूं। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं इनके पैरों में सर रख के माफी मांगता हूं। आस्था प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। उठिए, अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आस्था, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही ये काम करूंगा, और मैं इस उम्मीद से भी गया था कि आज मुझे चेक मिल जाएगा, लेकिन जब पता चला कि वो काम किसी और को दे दिया तो मेरा खून खौलने लगा। इसलिए थोड़ा गुस्से में आ गया था और बेवजह तुम पे भड़क गया। I'm sorry। कोई बात नहीं करण, अब जो चीज हमें चाहिए जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा वो हमें मिले। मुझे मुझसे डर नहीं लग रहा। तुम डरी नहीं? आओ इधर कान में बता। नहीं, तुम मारेगा तो नहीं ना? आपकी कसम नहीं मारूंगा पक्का। तो बता बता।